बीटीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। खास करके आप लोग है ना, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि ये सारा आपकी बॉडी ही नहीं दिखेगी तो क्या मतलब रहेगा। स्क्रीन पे आपकी बॉडी झलकनी चाहिए। ओके, पहला पोज यही दे दो, ठीक है, बंदूक। ओके, डायरेक्ट आपने निकाला यहाँ से, ये होना चाहिए, ये मतलब। ओके, हत्तीडोई की पहाड़ियों में जिसको बल्ल्या की पहाड़ी कहा जाता है, तो इन खूबसूरत पहाड़ियों में हिंदी फिल्म शिरच्छेद का स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्क्रीन टेस्ट लिया जा रहा है। दूसरी जगह इन कलाकारों के लिए जो यहाँ पर आए हुए, उनके लिए नाश्ता बनाया जा रहा है, यानी कि आलू पोहा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कढ़ाई में इस तरह से मसाले डाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये अभी जो भी जितने भी कलाकार आए हैं उनके हिसाब से उतने क्वांटिटी में यहाँ पर आलू पोहा बनाया जा रहा है। तो ये अभी मसाले डाले गए हैं यहाँ पर, प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, उसके साथ हल्दी, नमक और जो भी मसाले लगते हैं वो डाले गए हैं। तो अभी ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मसाला दिख रहा है, ये अभी पक रहा है, तो अभी उसको थोड़ी देर पकने दिया जाएगा। और अभी उसमें टमाटर डाल दिए गए हैं। गरम मसाला डाला है जिससे ये देख सकते हैं कि मसाला और खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो गरम मसाला डाला है उससे पोहे में और टेस्ट आएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हरा प्याज डाल दिया गया है, इससे यह आलू पोहा और टेस्टी बन जाएगा। और अभी स्वादानुसार नमक डाला जा रहा है, तो देख सकते हैं अभी नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है और इस मसाले को अच्छे से पकने दिया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये अभी मसाला अच्छे से पक रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मसाला, जो कि इसको देख के ही पोहा खाने की इच्छा हो रही है। अभी इसमें आलू डाला गया है जो कि उबला हुआ आलू है, इसको काट के डाल दिया गया है और अच्छे से मिक्स किया जा रहा है ताकि इस आलू में ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और आलू में भी अच्छे टेस्ट आ जाए। तो ये अच्छे से मिक्स किया जा रहा है और ये देख सकते हैं कि मसाला और भी खूबसूरत दिख रहा है। और अभी जो आखिरी काम है जिसमें जो भीगा हुआ पोहा है वो अभी डाला जा रहा है और इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश हो रही है, देख सकते हैं। क्योंकि पोहा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, क्योंकि इतने कलाकार यहाँ पर स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आए हैं, तो उनके हिसाब से उतने क्वांटिटी में ये पोहा बनाया गया है। तो अभी ये देख सकते हैं कि की जो लास्ट विधि है वो चल रही है और अभी ये पूरा पोहा डाल के अभी उसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। यहाँ पर मिक्स करने के लिए दो लोग लग रहे हैं, क्योंकि तो उतने ज़्यादा क्वांटिटी में ये पोहा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पोहा हो गया है, तो इसको मिक्स करने के लिए अभी दो लोग लग रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है और अभी धीरे धीरे ये देख सकते हैं कि पोहा बहुत ही अच्छा दिख रहा है मिक्स होने के बाद, जो येलो कलर आया हुआ है तो इससे बहुत खूबसूरत दिख रहा है और इसको देख के ही खाने की बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है। तो ये देख सकते हैं कि इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो ये जो आचार्य लोग हैं वो एरिया के फेमस आचार्य है, जो कि खाना बनाते हैं और उनको ही ये फिल्म के लिए खाना बनाने का ऑर्डर दिया गया है। तो अभी ये अच्छे से मिक्स कर रहे हैं।
देख सकते हैं कि अभी धीरे धीरे ये पोहा मिक्स होते जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी ये लगता है कि पोहा अभी तैयार हो गया है उधर ले जाने के लिए, लेकिन जो लेडीज लोग हैं उनका दिल मानता नहीं है। अभी ये लेडीज लोग पोहे को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर खाना लेडीज लोग ही बनाते हैं, तो उनको जब तक ये पसंद नहीं आता तब तक वो खाना बनाते, तभी तो खाना टेस्टी होता है। तो ये पोहे को वो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि उसका मसाला पोहे के हर दाने में घुल जाए और पोहा टेस्टी बने। तो अभी ये पोहा देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी उसको डेकोरेट किया जाएगा। हरा धनिया डालकर इसको डेकोरेट किया गया है और ये अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और ये अभी उधर लोकेशन पे ले जाने के लिए तैयार है। तो ये अभी लोकेशन पे पोहा लाया गया है और जो भी कलाकार है ये देख सकते हैं कि उनका स्क्रीन टेस्ट में ब्रेक हुआ है और ये सभी भूखे दिख रहे हैं, क्योंकि 2-3 घंटे कंटिन्यू स्क्रीन टेस्ट चला तो सभी थक गए हैं। और ये अभी सभी को नाश्ते के लिए पोहा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी ये आचार्य है, तो ये आचार्य है, ये अभी सभी को ये पोहा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरह से ये पोहा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर जो हिंदी फिल्म शिरज छेद का स्क्रीन टेस्ट हो रहा है, तो ये इस फिल्म के डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों न हम, क्योंकि ये फिल्म ही पूरे जंगल में शूट होने वाली है और ये पूरे खूबसूरत लोकेशन में शूट हो रही है जो कि भंडारा के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, तो क्यों न इसका स्क्रीन टेस्ट भी खूबसूरत लोकेशन में लिया जाए। तो इस तरह से इस फिल्म का स्क्रीन टेस्ट या हत्तीडोई के पहाड़ियों में लिया गया है। इस फिल्म में बॉलीवुड के और मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामी कलाकार काम करने वाले हैं, तो इस फिल्म की जब भी शूटिंग शुरू होगी तो हम आपको हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी पर दिखाएंगे। तो अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो हमारे अगले आने वाले वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बीडीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।